राकांपा कार्यकर्ताओं द्वारा नागपुर के रामनगर इलाके के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। इस वक्त कई राकांपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। महंगाई और कोरोना जैसे संकटों को दूर करने के लिए और नागरिकों की शांति के लिए इस हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पठन का आयोजन किया गया था। राकांपा द्वारा हुई बैठक में उन्होंने जानकारी दी थी कि 28 मई को नागपुर के रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में राकांपा कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आज नागपुर के रामनगर के हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ी गई। राकांपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सहभाग लिया। कोरोना और महंगाई जैसे संकटों को दूर करने एवं समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राकांपा द्वारा हनुमान चालीसा पठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पे पश्चिमेश्वर हनुमान मंदिर में एक हनुमान चालीसा का पठन और सुंदरकांड का पठन किया है। सिर्फ उसका उद्देश्य इतना है कि विश्व में शांति फैले, अपने देश में जो अराजकता फैली हुई है, अपने जो देश में महंगाई फैली हुई है, जो बड़ी है, जो बेरोजगारी बड़ी हुई है, वो उसमें भगवान के चरणों में हमने यही प्रार्थना किया है कि भगवान जो केंद्र में जो शासन चला रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, जो देश के गरीब लोग हैं, जो देश को बेरोजगार है, जो देश में महंगाई से जो त्रस्त है, उन लोगों के लिए वो कम से कम उनकी सुविधा देवे। इसलिए ये सांकेतिक आज जो यहाँ का हनुमान चालीसा का पठन और सुंदरकांड का पठन किया है। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी मिलकर आज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पठन किया, भगवान से विनंती व प्रार्थना की और वो केंद्र शासन को सद्बुद्धि देने की हमने प्रार्थना की। शहर आणि ग्रामीणच्या वतीनं एक महागाईच्या विरोधात आणि या देशावर आर्थिक संकट जे आलेलं आहे त्या संकटातून या देशाला मुक्त होण्याच्या माध्यमातून हनुमान चालीसा पठन आणि सुंदरकांडचं आज इथं आयोजन करण्यात आलं होतं। काही ठिकाणी पोलीस विभाग म्हणा किंवा मीडियाच्या माध्यमातून असं एक वातावरण तयार करण्यात आलं नागपूर जिल्ह्यामध्ये की बाबा नवनीत राणा इथं येत आहे आणि एक राष्ट्रवादी त्याच्या विरोधात इथं उतरत आहे, असा आमचा काही उद्देश नसून दरवर्षी दुनेश्वरजी पेटे असो, प्रशांत पवार साहेब असो, हे टेकडीवरचं गणपतीचं मंदिर आहे आणि अनेक अशा ठिकाणी असे उपक्रम करत असतात। आम्ही मागच्या शनिवारीच हा कार्यक्रम करणार होतो परंतु सर्व इथं पदाधिकारी उपस्थित नसल्यामुळं हा कार्यक्रम आज आम्ही आयोजित केला आणि अनायसे राणा पण आजच येत आहेत, त्यामुळं हा आमचा कोणता राजकीय हेतू नसून जनतेला, या देशातल्या जनतेला या महागाईतनं मुक्तता मिळावी हाच एक उद्देश ठरवून आम्ही हा इथं कार्यक्रम आयोजित केला। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।